अपने मसाइल समझते हुए उनकी आवाज़ को मकाम बारा तक पहुँचाने में हमारी भी मदद की। मौजूद साफी हजरात, जिस तरह आप हजरात को इलम है कि 15 मई को हमारे सूबाई सदर डॉक्टर मोहम्मद बलोच साहब समेत 35 मेम्बरान शामिल को गिरफ्तार किया गया है और उस दिन से लेकर आज तक हमारा एहतजाज मुसलसल जारी है। सुबह भर के तमाम सरकारी दफातर में सरकारी अमूर का मुकम्मल बायकॉट किया गया है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत की बेहसी इतिहास के हमारे मुतालबात के हल के सिलसिले में कोई मुसबत पेशरफ नहीं हुई। मौजूद साफी हजरात, जैसा कि आप जानते हैं कि अबका गुज़िश्ता 6 माह से एहतजाज पर है और एहतजाज मुख्तलिफ मराइल से होते हुए इस मकाम पर पहुँच चुकी है कि आज सुबह भर की मुलाजमीन हुकूमत की बेहसी का मातम कर रही है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से मुलाजमीन में इश्तियाल बढ़ रहा है। सितम तो यह है कि इस जमहूरी दौर में हक मांगने वाले पुरअमन जदोजहद करने वाले रहते मुलाजमीन को हक देने की बजाय तशद्दुद का निशाना बनाकर और जूझे मुकदमात बनाकर पाबंद सरासर किया गया है। हमारे पास वो अल्फाज नहीं जिससे हम हुकूमत की बेहसी को अश्कार कर सकें। इस तमाम तर सूरतेहाल को मद्देनजर रखते हुए एहतिकाम बलूचिस्तान की सूबाई मुद्दसमा का इजलास आज मुरखा 24 मई को जरा तुलसी रानीबाग सूबाई दफ्तर एहतिकाम मुनक़िद हुआ, जिसमें दर्ज से फैसले किए गए। नंबर 1, 30 मई को जिला क्वेटा के तमाम मुलाजमीन वजीर आला उसका एक बार फिर घेरा करें। नंबर 2, 30 मई को ही बलूचिस्तान के दूसरे अजला में जलसे जुलूस और मुजाहरे किए जाएंगे। मुजाहरे करते हुए कौमी शाहराहें खुजदार मस्तूम कृष्ण बोलान सिबी नसीराबाद के चलोरवाई योग नशे बुला दारबंदी पर धरने दिए जाएंगे और ब्लॉक किए और रोड ब्लॉक किए जाएंगे। नंबर 3, 31 मई को सूबे के दीगर अजला में जेल भरो तेरी का आगाज किया कर दिया जाएगा, जिसमें रोजाना की बुनियाद पर आपकी मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए गिरफ्तारियां देंगे। हम ये वाजे कर देना चाहते हैं कि हमारे इस पुराने मुजाहरे को तशद्दुद के जरिए रोकने की कोशिश की गई और दोबारा 15 मई जैसे बदतरीन बर्बरियत का मुजाहरा करने की कोशिश की गई, तो इसके बाद जो भी हालात होंगे उनकी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत पर है। जो आप लिखा हुआ है कि जो भी बाद में हालात होगी उनकी जिम्मेदारी आप तो देख रहे हैं सूबाई लेवल पे जो चेयरमैन के साथ जो सुलूक होता चला जा रहा है, जाहिर बात है उसके बाद हम मजीद शिदत इसमें पैदा करेंगे। मजीद शिदत ये होगा शिदत में ये चारों ये शिदत आप बता दीजिए ये भी क्या मराज है मैं बता रहा हूँ शिदत मुझे छोड़ बात करें। उसमें ये भी हो सकता है कि तमाम ट्रेड यूनियन या उसके बाद सियासी पार्टियाँ उसके बाद जाहिर बात है ताजर बरादरी हम इसी सुबह के बाद ये हो सकता है कि उसमें शटर डाउन हो। जाहिर बात है अगर मैं सरकारी मुलाजिम हूँ तो मेरी तो दुकानें भी है, अगर मेरे भाई दुकानदार है उससे याद कर वो अजमत अजरा से भी उसका ताल्लुक होगा, उससे याद कर हो सकता है कि सियासी पार्टियों से भी लोग दोस्तों के ताल्लुक होंगे। अब हम ऐसी मैार मददगार हो रही है कि सिर्फ हमारी तंजीम जहर बात है हम मुलाजमीन के लिए लड़ रहे हैं। पहले तो हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है ये हर सियासी पार्टी से मजबूत प्लेटफॉर्म, जब जरूरत पड़ेगी जहर बात है फिर मुल्की सतह पर मरकजी सदर ने भी मरकजी हुकूमत को पाबंद किया है। हो सकता है कि पूरे पाकिस्तान में इसी तरह एहतजाज स्टार्ट हो जिस तरह की सूबाई लेवल पर हम कर रहे हो, तो हमारी छोटी तंजीम तो नहीं है, पाकिस्तान तंजीम हमारी है नहीं 5-6 बंदों को अपराध पर मुश्तमिल कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सिर्फ अपने को मीडिया में लाए या कोई दूसरे हवाले से कोई बात।